मायावती जी भरोसा करके भी देखी हैं और भरोसा तोड़ के भी देखना चाहती हैं। और आज की जो राजनीतिक माहौल चल रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपना निर्णय लिया है, यह सराहनीय कदम है। आज बड़े बड़े पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी पार्टियां जो है घुटना टेक राजनीति कर रही हैं। और आज के परिवेश में मायावती ने जिस तरह से अपना स्टैंड कायम रखा है, यह सराहनीय है। सत्ता में और आने और जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हमको तो उनकी विचारधारा से ही लगता है वो सत्ता के भोगी नहीं है, वो अपनी नीतियों के भोगी हैं, अपने विचारों के जो है पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसलिए मैं उनका जो है इस विचार से उनका अपना समर्थन देता हूं। देखिए बहन, मायावती जी का जो निर्णय है बहुत ही सराहनीय कदम है। और बहन जी जानती हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो गठबंधन चलने वाला नहीं है। गठबंधन बनने के पहले ही तमाम फूट हो गई हैं, तो बाद में क्या होगा? उनको भरोसा है कि अगर मैं समर्थन दे दे रही हूँ इंडिया गठबंधन का, तब भी सरकार नहीं बनेगी, हमारी शिक्षा लेदर होगी और हमारे जो बसपा के जो मूल कैडर के वोटर हैं, वोट का बिखराव हो जाएगा, पार्टी इनके आगे गर्त में चली जाएगी। तो मायावती बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार महिला हैं और उनका ये उठाया हुआ कदम बहुत सराहनीय है, हम लोग समर्थन करते हैं। मायावती जी ने जो निर्णय लिया है वो उसका हम समर्थन करते हैं। कम से कम वो यूपी में 80 सीट पर लड़ेंगे तो 80 सीट पर उनके प्रत्याशी खड़ा होंगे, 80 जगह उनका वोट जो है कि ग्राफ मालूम होगा कि कितना वोट प्रतिशत। देखिए बीएसपी ने और बहन जी ने जो फैसला किया है ये उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, सदा के वो सोचती है। हालांकि उन्होंने ये जो फैसला लिया है कुछ ना कुछ सोच के लिया होगा। और यूपी में मायावती जी का एक अच्छा वोट बैंक है, सभी लोग इस बात से परिचित हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो इंडिया गठबंधन को बहन जी के शामिल होने से फायदा ही मिलता बीएसपी के शामिल होने से। अब वो शामिल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दल का भारी भरकम नुकसान करेंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जो मायावती जी ने जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, वो फैसला ठीक लिया है, क्योंकि जो है आगे भी जो जैसे सपा और कांग्रेस से गठबंधन किया उससे मायावती जी को नुकसान ही हुआ है। और अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनका जो वोट बैंक है, जैसे एससी कैटेगरी का, ओबीसी का भी है, तो वो यहाँ वहाँ नहीं जाता है। अन्य पार्टियों से गठबंधन करने से जो उनका निजी वोट बैंक होता है वो यहाँ वहाँ खिसक जाता है। तो इससे बहन जी को जो है अच्छी सीटें हासिल होंगी उत्तर प्रदेश में। देखिए बीएसपी के वैसे देखा जाए तो लोकसभा में काफ़ी अच्छा उनका वोट बैंक है, जैसे एससी कैटेगरी के लोग काफ़ी अच्छा वोट बैंक है उनका। उनका कहीं ना कहीं नुकसान दूसरी पार्टियों को दे सकती हैं वो लोकसभा चुनाव में, गठबंधन उन्होंने नहीं लिया है वैसे कई पार्टियों को नुकसान भी हो सकता है उनका। वैसे यहाँ पे अच्छा वर्चस्व रहा है लोकसभा चुनाव में, अच्छे वोट बैंक रहे हैं उनके, अच्छा वोट रहा है उनका। मायावती जी का जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करता है। मायावती जी अगर अपने प्रत्याशी उतारती हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका कोई जो है अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सीटों को प्रभावित करेंगी, निश्चित रूप से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की जो है कम करेंगी। अब बीएसपी की अपनी कोई रणनीति होगी और अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करती है तो शायद ही उसे उत्तर प्रदेश में कोई सीट सांसद के रूप में मिल सके। पिछला चुनाव जब बीएसपी ने लड़ा था तो सपा से उसका समझौता था, उस समझौते की वजह से वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और बसपा जो है 10 सीटों पर विजय प्राप्त कर ली, उत्तर प्रदेश के सांसद बने थे। आज की स्थितियाँ अलग है, पूरे देश में मोदी की लहर चल रही है और उसके सापेक्ष में अगर विपक्ष का मजबूत गठबंधन नहीं होगा तो आज के तारीख में बीजेपी को हरा पाना बहुत असंभव होगा। हमारी बहन जी जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका निर्णय बहुत मजबूत है, आयरन लेडी कही जाने वाली हैं और वो जो भी निर्णय लेती हैं सोच समझ के लेती हैं। और उनका विचारधारा है कि जब तक हम त्रिकोणीय लड़ाई में नहीं रहेंगे तब तक हमारी जीत निश्चित नहीं है। वास्तव में हम लोग त्रिकोणीय लड़ाई में हम मजबूत हैं। बीएसपी की कोई जनाधार भारतीय जनता पार्टी के सामने है नहीं। अब उनके पास विधानसभा चुनाव लड़के उन्होंने अपनी देख लिया है,
सारी सीटें वो हार चुकी हैं। एक सीट बड़ी मुश्किल से उन्होंने जीता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर चुके हैं। मायावती जी हताश, निराश और परस्त मानते हुए, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हैं, इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि भाई साहब, मायावती के इनकार करने से और इनकार न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से चल रही है, सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। हर हालत में इंडिया गठबंधन ही एनडीए को हराएगी। एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। एनडीए जो जो चुनाव में जय हार आई है, जो जो घोषणाएँ की है, उसने पूरा नहीं किया है। इसलिए इंडिया गठबंधन हर हालत में अपनी बार चुनाव जीतेगा। इसमें मायावती का विजन कोई मायने नहीं रखता। मायावती चुप रहती है, चुनाव आता है तो जरूर बातें करती है। मायावती स्वयं इस सरकार से डरी हुई हैं।